नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का 22 की लहर में। जाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। 22 में किसकी लहर है, किसे वोट चुनना चाहें? मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का 22 की लहर में। जी हां, बबेरू विधानसभा पहुंचे हैं। बांदा जिला में पड़ता है ये विधानसभा। हम रास्ते से गुजर रहे थे, देखा हमने मनरेगा मजदूरी के तहत लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, मिट्टी काट रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं। उनसे भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार मनरेगा के तहत जो मजदूरी मिलती है उससे इन लोगों को कितना लाभ मिलता है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे मजदूर हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या उनको सही तरीके से मजदूरी मिल रही है कि नहीं, और 22 में लहर किसकी है। आपका नाम? मोहन साहब। मजदूरी मिल जा रही है? हाँ सब मिलती है। ऐसा होता है, खबर ये आई है कि मनरेगा के तहत जो आप लोग काम करते हैं उसमें 200-300 रुपया दे दिया जाता है, सब पैसे प्रधान ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, कोई प्रधान कोई पैसा नहीं लेता। नहीं लेता ना। ठीक है, तो 22 में किसकी लहर है? 22 में मोदी जी की। मोदी जी की क्यों? अब मोदी जी की है तो है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर। इधर आइए, इधर आइए। आओ आओ चंदू भाई, आओ। क्या नाम है? उदय प्रसाद। क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी, तो ये मिट्टी काट रहे थे? अच्छा, धूप बहुत कड़ाके की धूप है, कैसे काटते हो? अरे बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत करते हैं लोग। देखिए इतनी कड़ाके की धूप है, हमने भी थोड़े से मिट्टी काटे तो जैसे लग रहा है कि एकदम पसीने से तरबतर हो गए हैं, लेकिन ये लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, इस धूप में मजदूरी करते हैं, और ये काबिले तारीफ है। कितने पैसे मिलते हैं? 250 रुपये। देखिए ये बहुत हैरानी की बात है कि दिन भर पसीने बहाते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, पैसे बहुत कम मिलते हैं, 250 रुपये। हम सरकार से 204 रुपये, पाँच साल में बढ़ा, क्या बढ़ा? सरकार से दरखास्त है कि मजदूरों की इस जो ये जो समस्याएं हैं उस पर जरूर ध्यान दें, मनरेगा के तहत जो मजदूरी जो तय की गई है उसमें जरूर बढ़ोतरी हो। अच्छा, 22 में किसकी लहर है बताओ? मोदी जी। क्यों मोदी जी के? क्यों मोदी जी की लहर है? मान लो काम अच्छा हो रहा है, कुछ समझ में आता है। अच्छा, समझ में आ रहा है। हाँ। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका जो नाम का जलवा है वो काफी है। आप बताइए, आप भी यहाँ मजदूरी करती हैं? हाँ, करते। क्या करते हैं काम आप? फरुआ करे देखो। अच्छा, मिट्टी काटते हैं आप भी? हाँ। और मिट्टी उठा के फिर यहाँ रखते हैं? क्या बन रहा है ये? सड़क। अच्छा, सड़क बन रही है ये? अरे वाह। तो अच्छा, मजदूरी टाइम से मिल जाती है? हाँ, मिल। 22 में किसकी लहर है, किसे वोट चुनना चाहेंगे? मोदी को। अच्छा, मोदी जी को? क्यों, मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी अब मजदूरी दिया था, पैसा दिया था, जाए घटा था, एक महीने में दुईदा गल्ला दिया था, फिर ये उनका है तो कुछ नहीं, मजदूरिया का तो मजदूरी ही है। अच्छा, मतलब मजदूरी ही है उनका है। तो इनका ये कहना है कि मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं और इसलिए हम जो हैं मोदी जी को ही मानते हैं, इनका ये कहना है। ये मनरेगा के तहत काम कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का हाल जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर किसी के जुमा की बातें जो है आप तक पहुंचाएं, 22 में लहर किसकी है उसे समझाएं, और बुंदेलखंड की जो असली समस्या है वो भी आप तक रखें। अधिकतर जो लोग हैं वो किसान हैं, किसानी पर ही इनके जीवन निर्भर करता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मौजूदा जो सरकार है 4.5 साल में इन सब के लिए कितने काम किए हैं, कितने काम नहीं हुआ है, इनके जीवन में कोई लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका मिजाज क्या है, किसकी लहर है। सबसे पहले आप बताइए, 22 में किसकी लहर है, क्या नाम है आपका? मोदी का। मोदी का क्यों? काम करे थे, पैसा दिए थे, खाना पानी अनाज दिए थे। अच्छा, मतलब अनाज मिल रहा है फ्री में, और खेती का पैसा भी मिल रहा है, किसानी खेती का। हाँ। अच्छा, पहले बहुत दिक्कत रहती थी ना? हाँ हाँ, बहुत दिक्कत रहती थी। देखिए बुंदेलखंड में किसान हमेशा, जब भी उनकी खबरें आती थी या उनकी तस्वीरें आती थी, रोते हुए किसान बहुत तकलीफ में, कभी खुदकुशी कर लेना, भूख से मौत हो जाती थी, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि अब कुछ सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, यही ना? हम सबसे जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। बताइए सब ठीक हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। क्या ठीक हुआ? ठीक है, बताओ। किसानी खेती सब सब बढ़िया? हाँ, अब मोदी बहुत मदद की, बहुत मोदी बहुत मदद की। अच्छा, क्या मदद की? गल्ला दे रहा है, पैसा दे रहा है। हाँ। और जो को पेंशन 5 लाख पेंशन दिया है, कहा हमें खाना बना कर खवाओ का बढ़िया से कर। तो 22 में आप किसकी लहर मानते हैं? 22 में
मोदी का। यहाँ योगी जी हैं, योगी जी काम कर रहे हैं? अच्छा, हाँ योगी का जॉब। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि अक्सर इस बस्तियों में, जो ये बस्ती है, लगभग आप लोग 200-300 लोग तो रहते होंगे इस बस्ती में। कितने कितने लोग रहते हैं? अच्छा, आप देखिए, क्योंकि हम अभी अभी आए हैं और इस रोड से गुजर रहे थे, लाइनें मतलब घर जो है सड़क के किनारे सबके घर बने हुए हैं, हमको लगा कि थोड़े ही लोग होंगे, लेकिन इस बस्ती की आबादी 10,000 है। 10,000 लोग रहते हैं और ये सब किसान हैं। और इनका जो मिजाज है वो देखिए कितना बदला है। ये लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। क्या बदला है बताइए, क्या बदल गया है? पूछे पूछ लिया। अच्छा, नहीं, 22 में आप किसे चुनना चाहेंगे? मोदी का। मोदी है। अच्छा, मोदी क्यों? खर्चा दे रहा है। खर्चा दे रहा है, खर्चा दे रहा है। इधर इधर आप बताइए, आप बताइए। हम बता दें। क्या बताइए? हम मोदी का टेपे और का टेपे। हाँ, अच्छा, आपका मतलब सब कुछ ठीक मिल रहा है? आपका क्या क्या मिल रहा है? पैसा मिला था, दाना मिला था, और का मिला था। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, उनसे भी जान लेते हैं। ये बताइए, आप बताइए, क्या बताएं? बताओ, 22 में किसकी लहर मानते हैं? मोदी की। क्यों? खाना पानी सब देता है। हाँ। पानी देता है फ्री का, गैस देता है। अच्छा। हाँ, ये पूरे गांव में जो है सबका एक ही रंग का मिजाज है? नहीं, अपना अपना भाव है। आप बताइए। मोदी। देखिए, यहाँ पर अक्सर जो लोग हैं वो सब यही बात कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है या फिर केंद्र सरकार, जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है उससे मुझे लगता है कि वो बहुत प्रभावित हैं। 10,000 की आबादी वाले गांव में लोग बहुत प्रभावित हैं। लेकिन बुंदेलखंड की जो एक्चुअल तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोग संतुष्ट हैं हालांकि, लेकिन अभी भी जो घर हैं सबके अभी भी टूटे हुए हैं, लेकिन घर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यानी कि सब कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं, तस्वीरें बदल रही है। इधर आइए, युवा भी हैं। आप पढ़ाई करते हो? हाँ जी। कौन से क्लास में? मैं बीए फाइनल है। अच्छा, आप बताओ कि इस बस्ती में सब कुछ बदल गया है? सब कुछ अपडेट हो चुका है पहले की अपेक्षा, बहुत कुछ चल रहा है। बिजली भी आ गई है? बिजली अब पहले इसकी अपेक्षा पूरी तरह से रहती है, बट मौसम विभाग की वजह से काफी टाइम के लिए अगर होती है तो 2-4 घंटे के लिए कट। अच्छा, तो आप यहाँ लहर किसकी चल रही है? बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हमारी भी उम्मीद बस लोगों तक है। अच्छा, आप बताइए क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही मजदूरी। मजदूरी करते हैं। अच्छा, किसकी लहर मानते हैं? किसकी है? यही मोदी। क्यों, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया है? क्या ऐसा कर दिया? गैस सिलेंडर पहले ठीक थे, अब गैस सिलेंडर देखो 900-1,000 रुपए का मिल रहा है, तो ऐसे मजदूर आदमी मरे की जिएगा? तो आप तो कह रहे हैं मोदी जी, तो हाँ, फायदे भी करवा रहे हैं तो घाटा भी तो करवा रहे हैं। तो वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। और बाकी सही करवा रहे हैं जो भी हो रहा है, सही हो रहा है? अच्छा, सही हो रहा है बाबा, सब सही हो रहा है ना? हाँ हाँ, यही कह रहे हैं। हाँ, है ना? हाँ, मोदी किसानी का पैसा भी मिल रहा है। हाँ, गला भी जाद, गला भी। हाँ, घर भी मिला। हाँ, है ना? अब कॉलोनी नहीं मिल गया। कॉलोनी नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, लोग धीरे धीरे सब बदल रहे हैं, तस्वीरें बदल रही है। बुंदेलखंड की धरती है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता, हर कोई अपने मन के मालिक हैं। वोट किसे देना है उन्हें पता है, सरकार कौन अच्छी चल रही है वो भी उनको पता है। यहाँ पर बिल्कुल, यानी शहर से बहुत दूर इंटीरियर इलाके में ये गांव है, और यहाँ जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गांव की चौपाल पर क्या बातें होती है, आसपास के लोग क्या कहते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए, अपना नाम बताइए। विजय पाल यादव। विजय पाल यादव जी, ये बताइए कि 22 में किसकी लहर मानते हैं? हमारे यहाँ विधानसभा में 22 में लहर अखिलेश जी की है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि योगी जी के कामों में कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हमारे यहाँ विधानसभा में 4.5 साल बीत गए, आज तक कोई नई सड़क तक नहीं बनी, और इसके पहले अखिलेश जी की सरकार रही, 77 सड़कें बनी थी इस विधानसभा में। इसलिए यहाँ पर इस बार लहर अखिलेश जी की है। अखिलेश जी की लहर है, ठीक है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपका नाम बताइए। शिरोमन। अच्छा, क्या करते हैं आप? बकरी चराते हैं। अच्छा, बकरी चराते हैं, अच्छा लगता है चराने में? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 22 में
किसकी सरकार को, कौन सी सरकार पसंद करेंगे, योगी जी की या अखिलेश जी की? हम अखिलेश के करब। अच्छा, क्यों? योगी जी तो इतना बढ़िया सुविधा दिया है सबको, गरीबों को लाभ दे रहा, लाभ दिया जा रहा है। हमको का मिले थे? कुछ नहीं मिले थे। क्यों, फ्री में राशन नहीं मिलता है? पाँच पाँच किलो थे बुढ़ी बुढ़ान, तो उतने में हम का करब ना, ना। अच्छा, तो एकदम टिपिकल बातें सीधे सीधे ये लोग कह रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं ये जानने की कि आखिरकार 22 में लहर किसकी है। आप बताइए 22 में किसकी लहर है? हम जाओ कुछ नहीं जाएंगे, हम अखिलेश का जाएंगे, हमें अखिलेश चाहिए। अच्छा, क्यों? योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कुछ कहा, हमने कुछ नहीं जानी था। अच्छा, आप बताइए। अखिलेश जी की सरकार। अच्छा, क्यों? बढ़िया हुई है। तो कुल मिलाकर एकदम टिपिकल गांव है ये, और यहाँ के लोग जो है किसानी पर निर्भर करते हैं, वैसे ही विचारधारा, एक बार जो मन में ठान लेते हैं वही करते हैं। और आपने इनकी प्रतिक्रिया सुन ली है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 22 में किसकी लहर है। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूँ विद्यासागर, स्वागत है आप सभी का 22 की लहर में। जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, 22 में किसकी लहर है, किसे वोट चुनना चाहें? मोदी जी। नमस्कार, मैं हूँ विद्यासागर, स्वागत है आप सभी का 22 की लहर में। जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, 22 में किसकी लहर है, किसे वोट चुनना चाहें? मोदी जी। इस वक्त हम मौजूद हैं बबेरू विधानसभा में, और यहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर एक दंगल का आयोजन किया गया था, और इसलिए दंगल खत्म होने के बाद लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। हम इधर से गुजर रहे थे, हम चाहते हैं कि यहीं लोगों की से प्रतिक्रिया ले ली जाए कि आखिरकार 22 में किसकी लहर है। आप बताइए, आप कहाँ आए थे यहाँ? दंगल देखने। अच्छा, 22 में किसकी लहर है? है? 22 में किसकी लहर? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 22 में किसे चुनना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी। हाँ। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, दंगल की खुमारी ऐसी है कि लोग किस तरीके से आए थे देखने के लिए। दंगल देख लिया आपने? हाँ, देख लिया। अच्छा, अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, बताइए, राजनीतिक दंगल भी शुरू हो गया है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, किसकी लहर मान? मोदी जी की। मोदी जी की लहर। क्यों? मोदी जी की। क्यों, क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, और भी लोग हैं, इधर आइए। आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम नीरज पांडे, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा बबेरू। अच्छा अच्छा, आप बीजेपी से हैं। देखिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की हमारी कोशिश रहती है कि उनका जो ओपिनियन है वो तो सीधे सीधे है, लेकिन जनता का ओपिनियन क्या कहता है वो ज़रूरी है। आप बताइए, 22 में किसकी लहर है? मोदी जी की। क्यों? उन्होंने काम अच्छा किया है, गुंडागर्दी खत्म किया है, विकास भी अच्छा किया है। उनकी सरकार आना चाहिए, किसानों को लाभ आप लोगों को मिल जी मिल रहा है। ठीक है, इधर आइए, आप बताइए। आपने मोदी जी को जो है राम खिलावन विश्वकर्मा है, कहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आपके जो जनप्रतिनिधि है वो काम ठीक कर रहे हैं, सबका काम है। मतलब 22 में किसे चुनेंगे, योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी को जो है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए किए। अच्छा, आप लोग खुश हैं? अच्छा, ठीक है, और भी लोग हैं, इधर आओ। युवा हो, क्या पढ़ाई करते हो जी? कौन से क्लास में? 12वीं में। अच्छा, गांव में क्या चर्चा हो रही है 22 में किसके लिए? अभी तो उतना आप लोग नॉलेज नहीं है, फिर मैं ये गांव का ही नहीं, मेरा गांव प्रोपेट हरदौली। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी लोग चर्चा तो कर रहे होंगे ना? हाँ, वहाँ तो कर रहे हैं कि इधर आइए, आप इधर आइए। ये साइकिल से आए थे आप दंगल देख रहे हैं? कितना दूर से आए हैं? बबेरू। अच्छा, 22 में किसकी लहर है? 22 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, एक दंगल आपने देखा, अब राजनीतिक दंगल भी शुरू हो गया है, चुनाव आने वाला है। हाँ, आप क्या हो रहा है, हम होने के। तो 22 में किसे, योगी जी या अखिलेश जी? योगी जी। योगी जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर लोगों का जो ओपिनियन है आप देख रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है, और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? बबेरू से आए हैं। 22 में किसकी लहर मानते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, गुंडों से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया और उत्तर प्रदेश को भयमुक्त कर दिया। सभी व्यापारी भयमुक्त हैं, सभी छात्राएं हमारी जो कॉलेज में पढ़ने जाती थी वो भी भयमुक्त हैं। माननीय योगी जी को ही हम अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे और योगी जी के ही साथ रहेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, इधर आइए। आप कहाँ से आए हैं? दंगल। अच्छा, तो 22 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अच्छा, आप पढ़े नहीं हैं, ये बताइए, योजनाओं का लाभ मिलता है सरकार की तरफ से? मिलत है, क्या का मिलत है?
बस यहाँ जैसे किसानी वाला मिलता है वो कहाँ मिलेगा। अच्छा किसानी वाला, तो योगी जी को पसंद करना चाहेंगे क्या अखिलेश जी को? अभी तो योगी जी का पसंद के हैं जो को। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं सबके मन में यही है कि जो मौजूदा दौर है इस वक्त का, उस दौर में जो मौजूदा सरकार है उनके तरफ से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और इसलिए लोग लगातार उनका नाम ले रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? विकास तिवारी जी। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी चित्रकूट। चित्रकूट के रहने वाले। अच्छा आप भी आए थे क्या यहाँ पर दंगल देखने के लिए? यानी दंगल देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में दंगल के लेकर जितना प्रेम है उतना पॉलिटिकल अगर आप कहें तो उन्हें भी ये जागरूकता है और वो जानते हैं कि सरकार हमारी क्या कह रही है। अच्छा ये बताइए आप यूपी पुलिस में है क्या? पीआरडी पुलिस में है। अच्छा तो आप यहाँ पर आए थे सुरक्षा के लिए? हाँ, तो क्या कह रहे थे लोग? लोग क्या कह रहे थे, यही चर्चा हो रही थी हर जगह जिसमें से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा क्यों? योगी जी के कार्यकाल में जो है लाभ के योजनाओं का फायदा मिल रहा है उनको। आपको क्या मिला? हमको जो है योगी जी के कार्यकाल में हमारा वेतन बढ़ाया गया। अच्छा, इसलिए हम लोग योगी जी का समर्थन करेंगे और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, सरकारी आदमी है निश्चित तौर पर सरकार की बात करेंगे लेकिन हमारी कोशिश है कि हर किसी से बात करने की। ए इधर आओ इधर आओ, ए लड़का इधर आओ, क्या क्या बेचते हो तुम? अच्छा आइसक्रीम बेचते हो, बिक्री हुई आज? हाँ हुई सर। अच्छा ये बताओ कि कहाँ से कितने दूर से आए हो? बबेरू से जी। बबेरू से। विधानसभा चुनाव आने वाला है, तुम्हारे गांव में क्या चर्चा हो रही है? बढ़िया हो रही है, सही है। आ? सही है जो कह रहे हैं। किसकी किसकी लहर है? यादव जी की, अखिलेश की। अखिलेश जी की जी। अच्छा क्यों? अब सर ये तो पता नहीं, हम ज़्यादा घूमते नहीं हैं, रहते हैं अपने काम में बिजी रहते हैं थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? अच्छा दंगल देख के आए हैं। अच्छा विधानसभा चुनाव आने वाला है, किसकी लहर मानते हैं? क्या बताएं, जो कहाँ हुए वो जिधर चला गए तो चला गए, अब कोई अभी निश्चित लहर नहीं है कि किसकी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन योगी जी की सरकार है, साढ़े चार साल जो है पूरे काम पूरे हो गए हैं, इस काम काज में खुश हैं? खुश है। बुंदेलखंड में जो समस्याएं थी किसान को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, गरीबी को लेकर, इन सब समस्याओं से निजात मिले? हमें नहीं मिला कुछ, हमें नहीं मिला कुछ नहीं। तो आप किसे चुनना चाहेंगे? अभी हम कुछ नहीं फैसला लिए। अरे फिर भी लोग कह रहे होंगे ना, चर्चा तो कर ही रहे हैं। अरे हाँ तो चर्चा करते किसान आदमी, हमें जो उन्हें इतना टाइम नहीं है, गाँव को लगे बैठे ऊँचे कहानी, आज गांव का मेला है तो चले आए। अच्छा किसान आदमी है, गांव का मेला लगा हुआ था, लोग आए थे दूर दूर से घूमने के लिए और लगातार